भाई वो अलग गर्मी दे रहा है। अब वो मैं बीच रोड में तो चेंज कर नहीं सकता हूँ। वो आ गया दिवाली। तो यहाँ टनल खत्म होती है पर साथ में ही ना एक और टनल स्टार्ट, देख रहे हो ये आ गई टनल नंबर 11। ये मजा खत्म हो जाएगा, ये नज़ारे नहीं मिलेंगे भैया, फोर लेन बन जाएंगे ना। ये देखो तो बाइक में नीचे लेके जा रहा हूँ, वहीं पे सामान उतार के चल ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ ना, मैंने लाइट भी साफ कर ली है। बारिश तेज हो गई है सुबह भाई, सड़कों से नॉन स्टॉप सुबह 9 बजे निकले थे वहाँ से, यहाँ पे पूरे 9 बजे पहुँचा, पूरे 12 घंटे बारिश लगी और 12 घंटे में 470 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं सड़कों से यहाँ तक। ये रही अपने सामने अटल टनल, 10,000 फीट पे है, क्या ठंडी हवा चल रही है। चलते हैं टनल के अंदर। अब स्पीड लिमिट देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखा दी है 40 की स्पीड लिमिट है। लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया था टनल में आने का, पर मैं टनल तक ना पहुंच ही नहीं पाया था, मैं सोलांग भी ना बिल्कुल ऊपर तक नहीं पहुँच पाया था। फिलहाल मैं ना अटल टनल के ना अंदर चल रहा हूँ, 7 किलोमीटर रहा एग्जिट टनल के अंदर। देख रहे हो पानी कितना गिरा हुआ है, यहाँ साइड साइड से ना पानी भी आ रहा है, थोड़ा नहीं काफी है, पूरा रोड गीला है इस साइड, ये वाला तो फिर कम है। और अभी एग्जिट 2 किलोमीटर रह गया है, हमारी साइड का रोड भी गीला, और यहाँ कितना पानी है ना। फाइनली गाइज ये आ चुका है एग्जिट, ये अपनी दोनों बाइक के अटल टनल से बाहर निकलती हुई चलो तिवारी भैया लेट्स गो। इस साइड से देखो चेकिंग वगैरह हो रही है, उस साइड से हमारे को किसी ने ना रोका ना पूछा ना कुछ। अब ना सोलांग तक थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, ऑलमोस्ट 10 दिन बाद ना हमारे को इतने ज्यादा पेड़ एक साथ देखने को मिल रहे हैं, वरना पेड़ ही नहीं दिख रहे थे। पहाड़ में बादल देख रहे हो कैसे आ रखे हैं नीचे, क्या मस्त लग रहे हैं। यहाँ देख रहे हो कितना ट्रैफिक है सामने, पैराग्लाइडिंग। अभी छुप जाएगा, छुप गया, अब नहीं दिखेगा। सो फाइनली गाइज मैं सोलांग वैली भी पहुंच चुका हूँ, जहाँ मैं लास्ट टाइम नहीं पहुंच पाया था, लास्ट टाइम ना इससे पीछे तक ही पहुंच पाया था। यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग वगैरह सब होती है, सो गाइज फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ मनाली। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तब बिल्कुल भी ना इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इस बार मिल रही है, पर ना इस बार बाइकर्स बहुत कम दिख रहे हैं, वरना पहले लद्दाख सीजन जब स्टार्ट होता था ना इस रूट पे ना बाइकर्स तो काफी दिखते थे, क्योंकि मैं रहा हूँ ना यहाँ कुल्लू रहा हूँ 4-5 साल, तो पता है इतना। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, 1, 2, 3, 4 तो दिख गए मेरे को यहीं से, एक हो रहा दूसरा हो रहा 2, 3, 4। इस बार ना बाइकर्स बहुत कम है, पर कार का ट्रैफिक तो वैसे ही है। यहाँ पे आके ना अब गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है, जैकेट की जिप तो खोल देता हूँ पर अंदर की लेयरिंग ना चेंज करनी पड़ेगी, हमने कपड़े ना कुछ ज्यादा पहन रखे थे क्योंकि इतनी ठंड से आए हैं ना, अब लग रही है भयंकर गर्मी। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ आईटीपीपी कैंप के पास, ये रहा आईटीपीपी कैंप, यहीं पे मैं 4-5 साल रहा हूं। उस टाइम देख रहा हूं यहां पे आया था कोई शॉप नहीं थी, कुछ नहीं था। अब देखो यहां पे मैंने स्टे लिया था, यहां पे मैं लंच डिनर ब्रेकफास्ट डिसाइड कर रहा था। मौसम भी खराब है, अगर बारिश स्टार्ट होगी ना तो मंडी वाले रास्ते में जहाँ काम चल रखा है ना 4 लेन का, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है आजकल, और अगर बारिश स्टार्ट होगी तो लैंडस्लाइड फिर हो जाएगी, रास्ता फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए मनाली वाली साइड भी नहीं रुके हम ज्यादा, अपना यहाँ से सीधा निकल जाऊंगा, 4 लेन ले लूंगा ऊपर फ्लाईओवर चढ़ के। सो गाइस ये हो चुका है अब 4 लेन स्टार्ट। गर्मी कुछ ज्यादा लग रही है तो आगे रुकते हैं कहीं पे, और ना अंदर की लेयरिंग चेंज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। आगे ब्रिज है एक, वहीं पे रुकते हैं, तो यहाँ पे रुक के ना चेंज करता हूँ, गर्मी लग रही है बहुत, चेंज भी कर लिया है। एक्चुअली हुड था वो निकाल दिया, टी शर्ट मिली ये भाई मोटी वाली मिली, जो दूसरी थी वो काफी नीचे थी वो मिल नहीं रही थी, बैग भी खोला फिर मैंने यही पहन ली। इस लोअर के अंदर भी एक और पहन रखा मैंने मोटे वाला, भाई वो अलग गर्मी दे रहा है। अब वो मैं बीच रोड में तो चेंज कर नहीं सकता हूँ, तो देखते हैं उसको आगे कहाँ चेंज करते हैं। जैकेट तो मैंने पहन ही लिया क्योंकि जैकेट ना बैग में आ ही नहीं रही थी, सामान ही सेट नहीं हो रहा था सही से और बैग बंद नहीं हो रहा था। ग्लव्स भी चेंज कर लिए, ये वाले पहन लिए मैंने, दूसरे मोटे वाले मैंने टैंक बैग में डाल दिए। नियर चौंक अभी ना 63 किलोमीटर रह रहा है, पर वहां से मेरे को राइट टर्न लेना है, अगर मंडी ट्रैफिक नहीं मिला ना तो 1 घंटे के अंदर मैं नेहर चौक पहुंच जाऊंगा।
अपने साथ ब्यास रिवर भी चल रही है और इसका पानी ना मिट्टी का कलर का हो रखा है, मतलब गंदा हो रखा है। जून के महीने में ना हम इतनी ठंड से इतनी गर्मी में आए ना वापस, इतनी गर्मी लग रही है ना यहाँ पे, बल्कि मौसम भी ठीक है और फिर भी इतनी गर्मी लग रही है ना यहाँ पे। सो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ ऑन टनल, ये रही टनल सामने, और मेरी लाइट में ना पूरा आगे कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, कोई ना इसको आगे साफ करूंगा क्योंकि शायद मेरे को आज ना नाइट राइड भी करनी पड़ जाए। यहाँ से अब एग्जिट लेके राइट ले लेंगे, दीवारी के लिए वेट कर लेता हूँ। अरे यहाँ तो सही बारिश हो रखी है, बस भाई मंडी वाला रोड से मिल जाए अपने को। वो आ गया तिवारी, लेट्स गो। बस मंडी में लैंडस्लाइड ना मिले, देख रहे हो कितनी बारिश हुई है। ये तो सही है कि हम आए तो बारिश रुक गई है, बस ऐसे रुकी रहे। टनल तो उस साइड से आने वालों के लिए खुल गई है, हमें इसी साइड से जाना पड़ेगा। फ्लाईओवर वो सीधा टनल से टनल में कनेक्ट कर रखा है, पहले ऐसा होता था ये टू लेन है ना, तो इस साइड से इस साइड जाने के लिए होती थी और उस साइड की गाड़ियां इस साइड से आती थी। टू लेन जो था ना ये दोनों लेन अब इस साइड के लिए है, जैसे मैं जा रहा हूँ ना इस साइड के लिए तो इस साइड के लिए, और जो उस साइड आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए वो वाली लेन है। इस साइड से आओगे ना तो इस साइड के लिए टनल स्टार्ट हो गई ये वाली, देख रहे हो टनल नंबर 12। वाह भाई लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, देख रहे हो स्पीड लिमिट तो नहीं है यहाँ पे, 50 की स्पीड लिमिट है, स्लो कर लेता हूँ। तो यहाँ टनल खत्म होती है पर साथ में ही ना एक और टनल स्टार्ट, देख रहे हो ये आ गई टनल नंबर 11 और वो रही उस साइड के लिए। तो अपना टनल ही टनल होंगी शायद, टनल नंबर 11 है तो देखते हैं अभी कितनी टनल खुली हैं। एक टनल से मैं भी क्रॉस कर चुका हूँ, तो ये आ गया इस टनल का भी एग्जिट, और इसके बाद टनल है कि नहीं है। वाह फिर से पुराने वाले रूट में मिला दिया है क्योंकि अभी आगे की टनल का काम चल रखा है ना। ये था पुराना रूट, ये ऊपर वाले टनल का काम चल रखा है, ये हो जाएगी ना फिर ये वाला पॉइंट भी हट जाएगा बिल्कुल, पर जब ये वाला रोड हट जाएगा ना फोर लेन ऊपर वाले टनल चल पड़ेंगे, ये मजा खत्म हो जाएगा। इस वाले रोड में ना मजा बहुत आता है बाइक राइड करने का या कार ड्राइव करने का, ये नज़ारे नहीं मिलेंगे फिर फोर लेन बन जाएगी ना, क्योंकि टनल ही टनल हुआ करेंगी, फिर ये देखने को नहीं मिलेगा। वो देख रहे हो सामने पहाड़ देना रोड के ऊपर है, अभी वहीं से निकलूंगा मैं ना, बारिश के टाइम थोड़ा रिस्की हो जाता है वरना रोड तो भाई बहुत मस्त है, इसमें इतना सही लगता है ना। ये देखो पत्थर कैसे निकले हुए बाहर को, ये छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए हैं ऐसे गिरते रहते हैं और पता नहीं चलता बारिश के टाइम। पंडो डैम में पहुंचने वाला हूँ और यहाँ देख रहे हो पिछली बार पानी का कलर ब्लू था, अब पूरा मिट्टी वाला है ब्राउन। ये आ गई डैम की एंट्री, अब चलेंगे डैम के ऊपर। इस डैम में ना रुकना अलाउड भी नहीं है, यहाँ पे गाड़ी या बाइक कुछ भी हो आप रोक नहीं सकते हो। ये आ गया वो लैंडस्लाइड वाला एरिया, पिछली बार यहाँ पे रोक दिया था पुलिस वालों ने, फोर लेने का काम चला होता है ना यहाँ पे तो ब्लास्टिंग वगैरह हो रही थी लास्ट टाइम, तो इसलिए रोक दिया था। बारिश के टाइम में ना यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होती रहती है, तो अपनी किस्मत अच्छी है कि लैंडस्लाइड नहीं हो रखी है, रास्ता बंद नहीं है। ओ ओ ओ ओ भाई यहाँ पे होता है रोड ब्लॉक, तो बिल्कुल आराम से हम यहाँ तक मंडी तक पहुँच गए। तिवारी भी आ गया, तिवारी कह रहे मेरे से बाइक नहीं चल रही है काफी थक गया है, तो वो स्टे कर लेगा मंडी में, मैं तो निकल रहा हूँ आ गई। सो गाइस ये आ गया लेफ्ट साइड मंडी का बस स्टैंड, सही टाइम पे पहुँच गए मंडी भी हम, बिल्कुल लग रहा है 300 किलोमीटर बाइक तो हमने चला दी होगी अभी तक। चल ठीक है फिर मैं निकलता हूँ ना, ओके मेरे को मैसेज कर दीजिए जब मिलेगा तो, ठीक है बाय ब्रो। सो गाइस मैं निकल चुका आगे के लिए, तिवारी यहीं स्टे करेगा, कल सुबह फिर वो ना अर्ली मॉर्निंग निकल जाएगा यहाँ से दिल्ली के लिए। यार इतना ट्रैफिक है को लगा इस रोड पे आज, बाइक की हालत ना इतनी गंदी हो रखी है ना, मैंने यहाँ से निकलते टाइम एक बार वॉश करवाई थी, उसके बाद मैंने वॉश नहीं करवाई है बाइक पूरी लद्दाख राइड पे। यहाँ से लेना है मेरे को राइट नेहरू चौक होते हुए फिर ये ना सीधा हमीरपुर होते हुए निकलेगा, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे ना एक बार आगे रुक के पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप भी करवाना है। बाहर गिरेगा देख लो होता है तो कर दो 20 का कर दो,
तो मैंने ग्लव्स अभी इसलिए निकाल रखे क्योंकि मेरे को ना आगे रुके एक बार कॉल करनी है, उसके बाद ग्लव्स पहन लेंगे। देख रहे आंटी उस साइड देख रही है, नहीं इस साइड हॉर्न बज रहे तो इस साइड देख लो। मैंने लाइट भी साफ कर ली है और साथ में इस साइड का येलो वाला कवर भी निकाल दिया क्योंकि मेरे को ना अब आगे व्हाइट लाइट काम आएगी तो नाइट राइड होगी थोड़ी सी। अपना थोड़ी देर मेरे को ऐसा ही सिंगल रोड मिलेगा। यहाँ पे भी बारिश हो रखी है क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे भी रोड गीला है, तो मौसम तो भी क्लियर ही है। रोड पे ना शार्प टर्न है बस, तो थोड़ा ना टर्न्स पे आराम से चलना पड़ेगा। अभी ना मैं कुछ महीने पहले आया था और उस टाइम ना रोड की हालत ना थोड़ी खराब थी, मतलब टूटा फूटा था और काम चला हुआ था। अब देख रहे हो एकदम बढ़िया रोड हो गया हुआ है। क्या हो रहेगा यहाँ से भी 23 किलोमीटर है। बस क्या काला धुआं छोड़ रही है और बस से ओवरटेक भी लेना है। दे दे भाई ओवरटेक। ऐसे सिंगल रोड में ना एक तो ओवरटेक भी इजीली मिलता नहीं है, यहाँ चांस अगर इसने दे दिया तो। सो फाइनली गाइज मेरे को 2 लेन मिल चुका है। सामने मौसम भी खराब हो रहा है, कोई ना मेरे को अगर बारिश मिलेगी रेनकोट है वो पहन लूंगा। बैग पे तो मैंने रेन कवर चढ़ाई रखे हैं अपने, देख रहे हो टैंक बैग भी चढ़ा के रखा है। यहाँ पे मैंने लंच किया था आके पर अभी अपने को भूख नहीं लगी है क्योंकि लंच कर लिया था, डिनर घर जाके करेंगे। जाहू रह गया 2 किलोमीटर और भोटा यहाँ से 26। सो फाइनली गाइज मैं जाहू भी पहुंच गया हूँ, अभी आगे जाहू का मार्केट आ जाएगा। ये रहा जाहू का मार्केट और ये चला गया लेफ्ट साइड बस स्टैंड के लिए जिमनी, यहाँ से लेना है मेरे को लेफ्ट। सो गाइज बारिश लगनी भी स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हो बूंदे पड़ रही हैं। अगर ज्यादा तेज होती है ना तो मेरे को GoPro का सेटअप खोलना पड़ेगा और उसको ना बैग में डालना पड़ेगा। बारिश वैसे ना साथ तो बहुत दे रही है, जहाँ जहाँ मैं पहुंच रहा हूँ ना वहाँ बारिश रुक जा रही है। बारिश तेज हो गई है, रोड भी देख रहे हो कितना गीला है। बस बैग अच्छे से कवर हो क्योंकि इसमें बैटरीज वगैरह सब पड़ी हुई है। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ भोटा वाले कट पे, अब यहाँ से सीधा जाना है मेरे को हमीरपुर के लिए। ये रहा सामने भोटा का हॉस्पिटल, अभी देख रहे हो कितनी बारिश हो रखी है, कितना पानी इकट्ठा हो रखा है। ओह शिट ब्रेकर दिखाई नहीं, धीरे धीरे भाई धीरे। सो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ हमीरपुर बाईपास पे, अब यहाँ से बाईपास ले लूँगा। ये आ गया बाईपास, बाईपास भी ख़त्म हो गया है, देख रहे हो ये आ गया मेन रोड हमीरपुर और नदौन वाला। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ नदौन रह गया 25। बाइक की शॉप देखे तो मैं सोच रहा हूँ ना चेन ल्यूब मिल जाए तो चेन ल्यूब करा लेता हूँ, आज ल्यूब नहीं है चलो कोई ना निकलते हैं ऐसे। एक्चुअली ना चेन से थोड़ी आवाज आ रही थी तो मैं सोच रहा था क्यों ना चेन ल्यूब मिल जाता तो चेन ल्यूब करवा लेता, पर चलो कोई ना घर थोड़ा बचा है कल करवा लेंगे क्योंकि कल क्लीन भी करवानी पड़ेगी ना। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अंब। सुबह भाई सर्चों से नॉन स्टॉप भाई सिर्फ खाना खाने रुके थे, उसके अलावा अब बीच में 1-2 मिनट रुके होंगे और तब से भाई फाइनली बुलेट के साथ अंब पहुंच गया। यहां डाइवर्जन का को दिया हुआ है, इस वाले ब्रिज का काम यहां तक पहुंच गया।
चुका हूँ घर, अभी वाला गेट बंद है और बाइक में सामान भी है ना, तो बाइक मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, वहीं पे सामान उतार के फिर बाद में बाइक लेंगे, यहाँ पे सामान वगैरह उतार के। मोड़ के लगाता हूँ, साढ़े 400 किलोमीटर लगाने के लोड का रास्ता कहीं इतना क्या है। भाई क्या हालत है, क्या रखी है? ठीक है। बढ़िया। कका तो नहीं। बुरी हालत हो गई थी पर अब ठीक है। तो भी लेना साथ में। अरे उसको घर निकलना जरूरी है, उसको घर निकलना। हालत खराब हो गई। वाले सलाम, ठीक है, बढ़िया। इतने बड़ा कुछ लगाया हुआ है, ठीक हो? So finally guys, मैं पहुंच चुका हूं घर और अभी ना मैंने गूगल मैप चेक किया भाई, आज 470 किलोमीटर बाइक चलाई है। तो मैंने यहां पे आके देखा था मैप, तो 470 किलोमीटर सुबह 9 बजे निकले थे वहां से और यहां पे पूरे 9 बजे पहुंचा हूं, पूरे 12 घंटे बाइक चलाई है और 12 घंटे में 470 किलोमीटर कम्प्लीट किए हैं सरचू से यहाँ तक। भाई जो हालत ख़राब हुई है ना, बता नहीं सकता, बहुत थकावट हो रखी है ना। चेंज करता हूँ, हाथ में धोता हूँ, नहाऊंगा सुबह। तो फिलहाल के लिए करते हैं जब लोग कहीं पेंट स्वाइप। आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को देना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।